हे हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। यह रैंक पुशिंग के एपिसोड नंबर 6 होने वाला है और अभी मेरा 4 स्टार भी लग चुका है, देख सकते हो आप लोग। लेकिन अभी जो आपको मैं गेम प्ले अपना दिखाऊंगा, मेरा 3 स्टार का गेम प्ले रहेगा। 4 स्टार के गेम प्ले मैं कल डालूंगा, ठीक है, लेकिन यह 3 स्टार का गेम प्ले रहेगा। मैं बुइया करते करते मतलब रीजन पे आ गया हूँ विंस में सोलो का। तो इधर हम लोग इसको रीजन सेलेक्ट कर लेते, इधर विंस सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो नीचे में मेरा नाम दिख रहा होगा, मतलब 73 नंबर पे हूँ मैं अभी। और इससे ऊपर मैं अभी और जाने का ट्राई करूँगा। बुइया तो लगातार किए जा रहा हूँ, लेकिन टॉप में जो बंदा है वो 250 से भी ज़्यादा बुइया कर लिया है, लेकिन वो ब्रॉन्ज पे है। अब ऐसा कैसा होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन होता है। अब इधर देख लो, ये 37 नंबर पर जो बंदा है ना, इसका नाम याद रखना 35CG Gamer T, ये नाम है इसका। ये अभी अभी मेरे गेम में आया था, इसको मैंने मारा था तो वहाँ पर मैंने नाम पढ़ लिया था। और ये सोलो विंस में मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे है यार, 37 नंबर पर ही 91 बुइया कर लिया है। और कई दिनों से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ यार, लगातार पुश किया जा रहा हूँ। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला मैच, इसमें मेरे 2 किल हो गए थे और मेरे को छोड़कर अभी 5 बंदे और बच रहे थे। तो इधर जो बंदा था ना, जिसको मैंने अभी अभी आपको दिखाई स्पेक्ट करके, वो बंदा भी देखना इधर से आएगा पीक से, ये वो पेड़ के पास था, वो हवेली की ओर से। तो इसको अब मैं थोड़ा बहुत, ये तो मेरे से पहले उस टाइम पे मतलब इससे फाइट मेरा काफ़ी देर से चल रहा है। पहले तो ये टीम अप मेरे से कर रहा था, लेकिन मैं टीम अप करने वाला हूँ नहीं यार, अब टीम अप नहीं करूँगा, बंदे मार जाते हैं, फालतू का माइनस चला जाता है। अब एक बंदा इधर से आ गया था लेफ्ट साइड से, तो इसको मैंने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया और इसको काफ़ी आसानी से उड़ा दिया VSS से। अब वो बंदा जो क्या नाम था उसका, CG Gamer जो भी है, नाम याद नहीं है मेरे को, लेकिन ये बंदा इधर मेरे पे अब रस तो नहीं मार रहा था, बेचारा जोन में आ रहा था यार, जोन में फंस चुका था। तो इधर मेरे पास नेड था, तो एक नेड मैंने कुक करके मार दिया, तो इधर देख सकते हो वो बंदा किल हो गया। और नाम आपने पढ़ा होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन वही बंदा है जिसको मैंने अभी अभी आपको इंस्पेक्ट करके दिखाया है। अब इस टाइम पर मेरा 4 किल हो गया था और इधर राइट साइड में फाइट हो रहा था, तो इधर मैं बढ़ना स्टार्ट कर दिया और इधर मेरे को एक बंदा दिखा, तो इसको मैंने काफ़ी आसानी से उड़ा दिया। मतलब कई बंदे कमेंट कर करके बोलते हैं यार आपके मतलब लॉबी नूब आती है, मतलब क्या बोलूँ अब मैं, नूब तो आता है यार, सभी बंदे प्रो नहीं होते, मतलब प्रो अब नूब मैं क्या बोलूँ अब समझ नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन सभी बंदे प्लेटिनियम के बंदे आते, इतना मैं बोल सकता हूँ, प्लेटिनियम और गोल्ड के बंदे आते हैं। जब आप स्टार 3-4 स्टार लगा लोगे ना, 2-3 या फिर 3-4 स्टार, उसके बाद प्लेटिनियम के बंदे अधिक, ज़्यादातर प्लेटिनियम के बंदे ही होते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अच्छे बंदे नहीं होते हैं। अब उसमें से 5-10 बंदे ऐसे होंगे जो स्टार लॉबी पे होंगे ही होंगे, 5-7 या 10 बंदे इतना मान के चलो वो रैंक पुशर होंगे, वो आपके लॉबी में आए रहेंगे। और बाकी सभी जो गोल्ड होता है प्लेटिनियम होता है, वो सबके बंदे होते हैं, इसलिए वो एक जगह पे ही उतार के ना फाइट ले लेकर किल हो, मतलब जल्दी जल्दी बंदे मर जाते हैं। और बाकी जो रैंक पुशर जो लास्ट पे बंदे बचते हैं ना, वो रैंक पुशर बंदे ही बचते हैं। अब ये लास्ट का बंदा एक बच रहा था, इसको मेरे को उड़ा के बुइया लेना था। तो ये बंदा मेरे को काफ़ी ज़्यादा देर, मतलब इससे काफ़ी देर तक फाइट चला यार, देखना। इधर मैं गाड़ी पकड़ के तो जोन में आ गया था, तो उधर उससे फाइट लेना मैं सही नहीं समझा, जोन में पहले आ गया मैं। तो ऐसे ही आप दिमाग लगा कर खेलो, जोन में फाइट मत लो, जोन के बाहर में फाइट मत लो, जोन के अंदर आ जाओ उसके बाद ही फाइट लो। अब ये बंदा जो है कुछ ज़्यादा ही भाग रहा था यार, तो इसको मैंने डैमेज करने स्टार्ट किया, इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी कर दिया था। अब इस पर मैं नेड करने वाला था, देखना अभी एक नेड इसको मैं कुक करके मारता हूँ। इसके पास कुछ ज़्यादा ही वाल था यार शायद तक, तो उसने वाल लगा लिया और फिर से एक नेड कुक किया, तो वो उतने तक जाया नहीं। मतलब पहले बार ऐसा हुआ जब इतना ज़्यादा मेरा नेट जो है वो ख़राब गया है, वरना बंदों को लगता ही लगता है यार मेरा नेट, लेकिन इस मैच में इस बंदे को लग ही नहीं रहा था मेरा नेट, कितना नेट कर लिया एक भी नेट अभी तक नहीं लगा है। तो यहाँ पर एक नेट मारा था, उसको 92 का डैमेज लग गया था, ये अपने आप को पेक कर रहा था शायद, तब इसके पास वाल ख़त्म हो गया था, तो उसको मैंने आसानी से उड़ा दिया VSS से। और इसमें मेरे को फाइनली बुइया मिल चुका था और ग्रैंडमास्टर की इमोट है, मतलब शो हो रहा है, तो इसी इमोट को मैं इक्विप करके रख लिया हूँ। और इस मैच में मेरे को पूरा प्लस मिल गया था 26+। और अगर हम बात करें इस वाले मैच की, तो इसमें मेरा अभी तक 1 किल हो गया था और नीचे जो एक बंदा जो है वो ड्रॉप मंगाया हुआ था, तो उसको स्पॉट करने का मैं ट्राई कर रहा था। जब वो ओपन में आया तो उसको मैं एक मस्त वाला 1-2 हेड लगा, या ड्रैग हेड लगा, डायरेक्ट हेड नहीं लगा था, तो थोड़ा बहुत मेरे को भी आ जाता है ड्रैग करना, लेकिन उतना ज़्यादा आता नहीं है।
अब इतने में एक बंदा मेरे सामने ही आ जाता है यार, जस्ट सामने में आ गया था ये, अच्छा मेरे से जल्दी वाल लग गया, नहीं तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता था। अब वो बंदा वू कॉन्ग बन गया था और ये बंदा जो है वो कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट दिखा रहा था, मतलब मूवमेंट वाला बंदा था। तो यहाँ पर एक नेड़ मैंने कुक करके मारा तो वो वहाँ तक तो गया ही नहीं, लेकिन वो बंदा ओपन में आ गया था इस टाइम पर, तो फिर से उसने वाल लगा लिया। अब देखने यहाँ पर क्या होता है, वो कुछ ज़्यादा ही प्रो बन रहा था यार, मूवमेंट वगैरह दिखा रहा था और हेड ही मारूंगा करके ओपन में जा रहा था, लेकिन इस टाइम पे मैंने उसको एक हेड रख दिया था और बॉडी शॉट भी काफ़ी ज़्यादा लगा दिया था। अब मेरे पास नेड नहीं था तो मैंने रस करके उड़ा दिया इसको काफ़ी आसानी से। अगर नेड होता तो वहाँ पर मैं नेड किया रहता यहाँ पर आकर, लेकिन नेड मेरे पास था नहीं एक भी। तो इस टाइम पे अब एक लास्ट का बंदा और बच रहा था और उसका लोकेशन मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था, तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा देर वेट करने वाला था उसका लोकेशन जानने के लिए। तभी वो बंदा मेरे को सामने की ओर फायर भागता हुआ दिख गया, तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा फायर करना चाहा, ड्रैग करना चाहा, तो उसको एक शॉट ही लगा बॉडी का, फिर मैंने एक वाल लगा लिया। फालतू का रिस्क नहीं लेना था। अब इसके पास इतना ज़्यादा नेड था, अभी देखना ये कितना ज़्यादा नेड कर रहा था, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे एक भी नेड नहीं था। अगर मेरे पास नेड होता तो इसको मैं नेड से ही उड़ा दिया रहता। तो यहाँ पर अब इसको उड़ाऊंगा करके MP40 लेकर मैं आगे की ओर आया, तो ये बंदा भी कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट वाला था, वाल पे वाल लगाया जा रहा था, लेकिन मैंने इसको MP40 से ही उड़ा दिया हेडशॉट के साथ, इसको भी लगा हेड यार। तो इसमें मेरे को फाइनली बुइया मिल चुका था और मेरे को पूरा प्लस भी मिल जाता यार, काफ़ी ज़्यादा किल थे इसमें भी, तो देखते हैं पूरा प्लस मिल पाता है कि नहीं। तो इसमें मेरे को पूरा प्लस तो नहीं मिल पाया, 24 प्लस मिला, लेकिन 4 किल था, 1 किल और रहता तो पूरा प्लस मिल जाता। और अगर हम बात करें इस वाले मैच की, तो इसमें मेरा अभी तक 1 किल हो गया था और मेरे को छोड़कर अभी 4 बंदे और बच रहे थे। अब जोन काफ़ी बड़ा था तो मैं बंदों की तलाश में निकल पड़ा था, तभी मेरे को एक बंदा जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है, उसने AK से मेरे को हेड लगा दिया था और इसको भी मैंने हेड लगा दिया MP40 से। और इस बंदे का किल AK से इतना ज़्यादा आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा किल कर रहा था ये बंदा जो है, वो इसने ही सभी लॉबी वालों को मारा है शायद तक। तो यहाँ पर अब मेरा 2 किल हो गया था और बाकी के जो बंदे थे उनका लोकेशन मेरे को तो पता नहीं था, तो इसको मैं थोड़ा बहुत लूट कर लिया यार, मतलब नेड वगैरह ले लिया मैं, वाल वगैरह इसके पास काफ़ी ज़्यादा था, तो मेरे पास स्पेस तो नहीं था, तो मैं एक बैग खोलकर उसको लूटने वाला था, नहीं तो जितना था लूट हो गया था उतना काफ़ी था मेरे लिए। अभी इस टाइम पे 4 बंदे बच रहे, तो ऐसा जब सिचुएशन आता है ना लास्ट जोन जैसा कि इतना बड़ा जोन है, मान लो अभी जितना बड़ा आपको दिख रहा है मिनी मैप में, तो इस टाइम पे आप एज टू एज खेलो हमेशा, बीच में ना जाओ, बीच में जाओगे तो फिर मतलब फंस जाओगे यार, सभी तरफ से आपको ही पड़ेगा, तो फिर फालतू में आप मर जाओगे। तो मैं वैसा ही करता हूँ, लास्ट में जो एक दो जोन होता है ना, 2-3 जोन, इतना बड़ा जब छोटा सर्कल हो जाता है ना, तो उस टाइम पर मैं एज टू एज रहकर ही खेलता हूँ और वेट करता हूँ और बंदे मरने का, फिर मेरे को बुइया लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा बुइया कर पाता हूँ, ताकि मैं दिमाग लगा कर खेलता हूँ यार थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कैनर थे, तो सभी स्कैनर को मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था, मतलब बंदे जो है स्कैनर में मेरे स्कैन हो जाए एक आदि करके, तो 2 बंदे तो बच ही रहे थे, तभी दोनों बंदे जो है मेरे स्कैनर में आ गए थे। अब इस टाइम पे मेरे को दोनों का लोकेशन पता लग गया था, और तो मैं अब लोकेशन पता लग गया था तो एक को मेरे को अब उड़ाना था, मेरा 2 ही किल था, तो इसमें भी मेरे को वरना पूरा प्लस नहीं मिलता यार। तो यहाँ पर मैं एक को उड़ाने जा रहा था, तो यहाँ पर एक बंदा जो है मेरे को दिख जाता है, इसको 1-2 शॉट लगाता हूँ, VSS का एक ही शॉट पड़ता है, लेकिन उसको 40 का राउंड डैमेज लग गया होगा, तो यहाँ पर इसको मैंने उड़ा दिया VSS से ही। अब एक लास्ट का बंदा और बच रहा है, तो उसको भी मैं डायरेक्ट रस नहीं करूँगा, जो बंदे जो है अक्सर कर जाते हैं, एक बंदा बचा है तो चलो उसको रस करके उड़ा देते हैं। मैं थोड़ा दिमाग लगा कर खेलता हूँ, क्योंकि मेरा मूवमेंट वगैरह उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा रस वगैरह करके नहीं खेलता, तो लॉन्ग रेंज से ही मैं ट्राई करता हूँ कि लॉन्ग रेंज से ही फाइट लूँ, और लॉन्ग रेंज में बात ना बने तो फिर नेड से फाइट लूँ करके, अगर नेड से भी बात नहीं बनता तब जाकर मैं शॉर्ट रेंज में फाइट लेता हूँ। तो अभी एक लास्ट का बंदा बच रहा है, इसको मेरे को उड़ाना है, तो वो बंदा वो मल्टी विंडो की ओर से आ रहा था, तो यहाँ पर उसको एक हेड लग गया और बॉडी शॉट भी लगा था, लेकिन किल हो गया, मतलब जोन ने उसका किल ले लिया यार, तो फिर अब क्या करें। लेकिन फिर भी इसमें मेरे को 3 किल के साथ बुइया मिल चुका था। अब 3 किल था तो मेरे को पूरा प्लस मिलना तो शायद नहीं मिलेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि डैमेज भी मेरा उतना ज़्यादा था नहीं, तो वैसा ही हुआ यार, इसमें मेरे को 20 ही प्लस मिले, जबकि प्लस मिलना था मेरे को 26। तो यही था आज का वीडियो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।